यूपी के आगरा जनपद के जगदीशपुरा थाने से चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपी सफाई कर्मचारी की मंगलवार रात पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद बवाल की आशंका पर थाने पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। आसपास के जनपदों से भी पूर्व में रह चुके तेज तर्रार प्रभारी निरीक्षक भी मामले में बुलाए गए हैं। जगदीशपुरा थाने के मालखाने में शनिवार रात दरवाजा तोड़कर 25 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। रविवार सवेरे घटना की जानकारी होने के बाद इंस्पेक्टर अनूप कुमार तिवारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को मामले में निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था और जांच की शुरुआत कर दी गई थी। सबसे पहले पुलिस ने थाने में आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों की सूची तैयार की। इसके बारे में पुलिस ने जानकारी ली। थाने में आने और जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया क्या प्राइवेट सफाई कर्मी अरुण 2 दिन से थाने में नहीं आ रहा है। पुलिस टीम जब उसके घर पहुंची तो घर से गायब मिला। उसके घर में पुलिस को कुछ पैसे मिल गए। मंगलवार को पुलिस ने सफाई कर्मियों को ताजगंज क्षेत्र से पकड़ लिया। इससे पूछताछ के बाद पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए से अधिक बरामद किए हैं। इसके बाद और रुपए बरामद करने की पूछताछ की जा रही थी। देर रात पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की हालत बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम विनोद लावादी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। क्या कहेंगे भैया, इतनी बड़ी घटना हो गई है? दुखद घटना है और समाज के ऊपर ये दूसरा कुठाराघात है। पहला मनीषा वाल्मीकि और दूसरा ये जी। समाज में बहुत आक्रोश है। उस आक्रोश के चलते समाज ने फैसला किया कि आज वाल्मीकि जयंती नहीं मनाएंगे और सड़कों पे जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा और मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपये धनराशि मुआवजा और उसको सरकारी नौकरी की मांग करता है। हम घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? आज तो हम यहाँ वाल्मीकि जयंती के पुष्पांजलि कार्यक्रम में एकत्रित होने आए थे। इस बस्ती में कार्यक्रम पहले से तय था जी, परंतु यहाँ आकर बड़ा दुखद समाचार मिला कि पुलिस ने एक वाल्मीकि नौजवान को थाने में मार दिया। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि जे नाम नहीं बताया उन पुलिस अधिकारियों को जो इसमें दोषी हैं। आप बताइए कि अगर थाने के माल खाने से चोरी हो रही है तो कितना सख्त पैरा होता है, कितने ताले होते हैं, कितने दरवाजे होते हैं। एक सफाई कर्मचारी मां कैसे घुस गया, उसके शराब पीने का लाभ निकाल कर ये पुलिसकर्मियों ने कराई। एक चोरी भी पुलिसकर्मियों ने करी है और इसमें हत्यारे पुलिसकर्मी वाल्मीकि को युवक को मारा, पुलिस ने मारा है, ये दबेगा नहीं मामला। सर, पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी, उस पर 25 लाख रुपये का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457-380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोगों के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम के व्यक्ति को पुलिस लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपये पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबियत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायत में वेस्टेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल कंसर पीएम कराने के लिए एज पर एनएचआरसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजनक का तरफ से एक FIR एप्लीकेशन दिया है, पुलिस के ऊपर लग सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस FIR दर्ज कराया, FIR दर्ज करके एज पर PM रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे।